और बाइक देने से पहले ही उन्होंने कह दिया कि 70-75 से ऊपर जाना नहीं बेटे, नहीं तो अभी नया बाइक है ना तो इसका फाइनली अपना बाइक को हमने वॉश कर दिया है और अभी क्या है कि हम लोग कुछ बाइक का डिलीवरी लेने जा रहे हैं जो कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा। सो मैं और ऋषि हैं यहाँ पे, ऋषि से हाय हाय और हम भी यहाँ से निकलते हैं। ऑल राइट वी कैन सो हेलो गाइस, माय नेम इज दीपक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टी व्लॉग्स। और बाइक हो चुका है वॉश एंड हम लोग यहाँ से निकलते हैं फास्ट। एक बार बाइक का ओवर लुक दे दो, अभी चमक चुका है, नया हो चुका है। एक्चुअली क्या है कि गाइस बाइक को मैं दो रीज़न के लिए वॉश नहीं कर रहा था। एक तो बाइक को सर्विसिंग कराना है, फोर्थ सर्विसिंग मैंने अभी तक नहीं कराया, पता नहीं कब कराऊंगा, वो भी मुझे पता नहीं है। बैठ जा चलो, थैंक यू फॉर द वॉशिंग माई बाइक। दो रीज़न के लिए मैं बाइक को वॉश नहीं कर रहा था, एक तो सर्विसिंग करवाना है और सर्विसिंग कराते वक्त बाइक को बहुत ही गंदा हो जाता है क्योंकि पार्ट्स खोलना, वो खोलना, ये खोलना, तो इसके कारण। और दूसरा, सर्विस सेंटर में फ्री में वॉश हो जाएगा, तो वही कुछ सीन है। और अब यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं और 6 mile KTM पहुँच भी चुके हैं, लौंडा पहुँच चुका है एडवांस में। कौन है वो? सौरभ ही है ना? एडवांस ऑफ कांग्रेस। खाया जाबो लगी वो धावा। पहले अंदर घुस लेते। गौरव भला सा कुंडू तुम्हारे ऑल एंड वीकेंड। सो आज जो हम लोग बाइक का डिलीवरी लेने आए हैं वो है KTM एडवेंचर 250। वो मैं नहीं ले रहा हूँ, वो ले रहा है सौरभ। और सौरभ एक्चुअली बाइक लेने वाला था लगभग लॉकडाउन से पहले, अगस्त में वो जो कि इसने हिमालयन बुक कर चुका था, नौलबाड़ी में इसने हिमालयन बुक किया था। और जब मैं गया था ना सवालकुशी, तब इसने कहा था कि एक हफ्ते बाद मेरा बाइक का डिलीवरी है हिमालयन का, तो तुमको नौलबाड़ी पे आना है। तो मैं मतलब पूरा था कि फॉर्म में था कि नौलबाड़ी जाना है और बाइक का डिलीवरी लेना है, बट एंड पता नहीं कभी क्या हो रहा है उसके कारण वो पोस्टपोन होता रहा। तो इन दी एंड इसके नसीब में एडवेंचर 250 था, तो इसके लिए वो कैंसिल हुआ और यहाँ पे फिक्स्ड हुआ फाइनली। ये पूरा एडवेंचर आज हम लोग एडवेंचर 250 का डिलीवरी लेने वाले हैं। मतलब सब हो चुका, पेमेंट कैश ले रहे हैं बिकॉज वी आर रिच पीपल, राइट? पैसों की कमी नहीं है, कैशों की कमी नहीं है। डिलीवरी लेंगे थोड़ी देर में, बस अब कुछ ही मिनटों। और एक्चुअली सब पेपर वर्क ऑलरेडी हो चुका है, जस्ट बाइक को लेना है और लगभग आधा से एक घंटा लगेगा क्योंकि और भी काफ़ी साथी आ रहे हैं सौरभ का। वो आएंगे, उसके बाइक बाइक को लेंगे, टूर करेंगे, थोड़ा बहुत टेस्ट राइड लेंगे एंड देन पार्टी कहाँ पे होगा? अरे होगा जहाँ पे तुम लोग बोलो। चलो जहाँ पे बोलो, तो विवन तो सामने है, यहीं पे जाएंगे। क्या बोलते हैं? 6 mile यही है सामने, विवन तो वहीं पे जाके पार्टी कर लेंगे जहाँ भी बोलो। ना कार्ड है खाने के लिए कार्ड है, कैश नहीं है, बट बाइक लेने के लिए कैश है, कार्ड नहीं। सीन क्या है कि बाइक के बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता क्योंकि अभी तक मैंने चलाया नहीं, तो कुछ उल्टा पुल्टा रिव्यू देकर मतलब नहीं बनता। पहले बाइक को चलाएंगे, उसके बाद बताऊंगा कि कैसा फील आया। तो अभी तक चलाया नहीं है, जस्ट बैठ के तो मतलब एक ही फील आया कि हाइट बहुत ही ज़्यादा है इसका। मैं 5.9 feet हूँ और मेरा जब मैं बैठता हूँ ना टोटल, तो मेरा दोनों पाँव मतलब नी ऐसा हो ऊँचा हो कि मुझे खड़ा होना पड़ता है। ऐसे कुछ सीन है, ये सब ब्लॉगिंग है, मैं अभी ब्लॉग कर रहा हूँ। और फाइनली यहाँ पे बाइक मिल चुका है, तो यहाँ पे कुछ गिफ्ट मिला है सौरभ को, तो वही खोल रहा है। चलो फाइनली निकल रहे हैं। ओके, सो फाइनली इतने देर बाद बाइक का डिलीवरी लेना हुआ ख़त्म, तो पहले पेट्रोल में जाके फ्यूल भराना है और मुझे भी फ्यूल भराना है एंड उसके बाद फिर आई गेस हम लोग सोनापुर साइड जाएंगे किसी रिसोर्ट में। अब बाइक लिया तो खाना तो बनता है, पार्टी तो बनता है, तो वही पार्टी करने जाएंगे। या लेट्स गो।
लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच ही चुके हैं, टीचम रिसोर्ट। सो अभी हम लोग सब लोग यहाँ पे ढेरा जमा के बैठे हुए हैं और यहाँ पे कुछ लंच तो नहीं किया हम लोगों ने किसी ने भी, तो यहाँ पे लंच करेंगे एंड देन सब लोग यहाँ से निकलेंगे। तो यही आज का पार्टी सौरभ की तरफ से होने वाला है। अब बाइक लिए तो पार्टी तो बनता है, ये तो परंपरा है सबका। तो यही कुछ सीन है। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली 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 मतलब इतने देर से रुकने के बाद अब मुहूर्त आ चुका है कि अब इस बाइक को चलाने का और आपको थोड़ा फील देने का कि क्या क्या कैसा चीज़ स्पेक्स वगैरह बताने का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कह दूं कि दिस इज़ अ KTM एडवेंचर 250 BS6 है ये, और यहाँ पे वीडियो कर दिया जा रहा है। तो अब इस बाइक को चलाने के लिए ना हमेशा एडवेंचर बाइक है तो एडवेंचर जैसा फील लेके उठना चाहिए, टाइगर जैसा। चलो फिर अब एक राउंड मार के आते हैं। अभी फ़िलहाल तो हम लोग सोनापुर पे, मैं ऑलरेडी आपको कह चुका हूँ। तो चलो, हाइट बहुत ही ज़्यादा है इसका। और बाइक देने से पहले ही उन्होंने कह दिया कि 70-75 से ऊपर जाना नहीं बेटे, नहीं तो अभी नया बाइक है ना तो इसका इसके लिए। ओ भाई भाई, फील तो है बाइक पे। 70 बस। शक्ति 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 दीपक शक्ति भाई। इस बाइक में टूरिंग करने में बहुत ही मज़ा आएगा और ऑफ रोडिंग करने में तो और ही ज़्यादा मज़ा आएगा। सैडलिंग कर ले मैं, वाह सही बाइक है, सही बाइक है, सही बाइक है। तो अभी क्या करते हैं, एक बार यहाँ से यूटर्न लेता हूँ और एक बार थोड़ा कॉर्नरिंग का फील लेके आता हूँ। 77 चला गया भाई, 70 से ऊपर नहीं जाने का, 70 से ऊपर नहीं जाने का। मेरा बाइक नहीं है ना इसके लिए, एक्चुअली अपना ही बाइक समझ लो, अपना दोस्त का है, मतलब अपना ही है, बट नया है तो थोड़ा केयर तो करना बनता है भाई, है कि नहीं। चलो यहाँ से लेते हैं यूटर्न, इंजन ब्रेकिंग। और इसमें आई गेस क्विक शिफ्टर भी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट नो भाई। टर्निंग करने में तो बहुत ही कम्फर्टेबल है, ईजी। थोड़ा बस 72 बस भाई, कॉर्नरिंग में भी फील है। अपर डिपर प्रेस, बहुत स्मूथ कॉर्नरिंग है। इजी। कॉर्नरिंग में भी कंफर्ट तो है भाई, trying my best to maintain the speed of 70-75 km/h, but ho raha hai mujhse ho raha hai, main itna fast nahi ja raha hu. Off roading ka feel to lena padega bhai, banta hai. Sahi bike hai man, sitting position comfortable hai, cornering wagera lene mein bhi confident to aa raha hai. Jaisa mere V3 mein aata utna nahi aa raha hai, but then aa raha hai, matlab jaisa bhi ho according to my experience sports bike chala ke. क्यों इसे पे नहीं हुआ, क्यों हाई है, आगे चलते हैं। हेफले जमा को रोबा मैं आनी आसो, बाइक तो आनी आसो अगत। ओके, KTM एडवेंचर 250 चला के हुआ डन। और स्लाइट चेंज इन प्लान, यहाँ पे हम लोग लंच नहीं कर रहे, हम लोग कहीं और जा रहे हैं। सो वी आर चेंजिंग द प्लेस बिकॉज प्राइस इतना हाई है, आउट ऑफ बजट जा रहा है। मतलब हम लोग 4-5 लोग हैं तो अराउंड 4-5 लोगों के लिए 8-9,000 चला जाएगा, तो इतना पैसा तो वेस्ट करके मतलब नहीं बनता है। सो
ऑलराइट, सो अभी हम लोग आ गए ऑरेंज रिसोर्ट। सो अब यहाँ पे होपफुली हम लोग लंच करेंगे एंड देन वी विल लीव फॉर होम। तो और बाइक का सीन क्या है गाइस, बाइक का हाइट बहुत ही ज़्यादा है एंड क्या पावर तो होता ही है, कॉर्नरिंग में भी कंफर्टेबल है, प्लस थोड़ा बहुत वाइब्रेशन फील होता है बाइक पे। तो अभी तक मैंने 3-4 किलोमीटर चला के तो इतना ही कुछ नोटिस किया, बाकी बाइक मस्त है। मतलब टूरिंग के लिए अगर आप 390 या फिर 250 ले रहे हो तो दोनों में से कोई भी एक ले लो, मस्त है। 390 कुछ ज़्यादा ओवर पावर हो जाता है अगर आप फर्स्ट बाइक ले रहे हो, बट अगर 250 लेते हो तो मतलब है ठीक ठाक है, वही कुछ सीन है। तो अभी यहाँ से कटते हैं जल्दी जल्दी, बहुत जल्द अंधेरा होने वाला है। लेट्स गो। ऑल ऑन वेकेशन। सो सीन क्या है कि सुबह से लंच नहीं किया था और खाना देख के मतलब ऐसा लालच आ गया कि मैं व्लॉग्स वॉक सब करना ही भूल गया, इसलिए पूरा फुल कॉन्सेंट्रेट खाने में और खाना पूरा ख़त्म। और हम लोग यहाँ पे 7 जन आए थे, आकाश, नीलोब, गौरव, सौरभ, ऋषि, मैं और एक हर्षदीप। चलो भाई चलो, लेट्स गो। अब बहुत ही गंदा वाला ठंड लगने वाला हम लोग को, बहुत ही गंदा वाला। सौरभ थैंक्स फॉर द पार्टी। चलो फिर निकलते घर के लिए। तो बस गाइस आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने का, शेयर करने का, कमेंट करने का एंड या बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करने का, क्योंकि बहुत जल्द हम गिव अवे ला रहे हैं। हाँ जी, बाय बाय। तो क्लासिक 350, पल्सर 200, सॉरी पल्सर। Just you make me feel